हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय एक से। उसमें हम आज मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में बताना चाहता हूँ। पादपों में लैंगिक जनन। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज सर, आपको बायो पढ़ाता हूँ। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन को हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे। यहाँ पे देखिए, ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्र विभाजन तथा निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जीव का विकास होता है। मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा जनन, वापस सुनिए, ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्र विभाजन मियोसिस एमियोसिस तथा निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक नए जीव का विकास होता है, डेवलप होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पादपों में लैंगिक जनन की संरचना पुष्प के द्वारा संपन्न होती है। पुष्प यानी फ्लावर, एक फ्लावर ही एकमात्र ऐसा उसमें स्रोत है जहाँ से वो लैंगिक जनन कर पाता है। पुष्प, सबसे पहले हम पुष्प की बात करते हैं। यहाँ पे पुष्प या फ्लावर की, पुष्प होता क्या है, फ्लावर किसे कहते हैं। आपने सभी ने देखा होगा किसी प्लांट के अंदर, हर प्लांट के अंदर फ्लावर पाए जाते हैं और उन्हीं फ्लावरों के द्वारा उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। एक पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पू केसर दोनों ही भाग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों ही भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुष्प आने पर पौधे की लैंगिक अवस्था शुरू हो जाती है। जब किसी प्लांट के अंदर पुष्प निकलना प्रारंभ होते हैं तो उसके अंदर उसकी लैंगिक अवस्था प्रारंभ हो जाती है। गोथे के अनुसार, गोथे क्या, हमारे एक वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक, उन्होंने क्या बताया इसके लिए, पुष्प के लिए, पुष्प सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्रहर होता है। उसके अंदर एक सीमित वृद्धि पाई जाती है, लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। एक पुष्प को चार भागों में बांटा गया। अगर हम पुष्प की बात करते हैं, एक पुष्प को या फ्लावर को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया। बच्चों यहाँ पर देखिए, चार भाग कौन कौन से, उसके चार भाग देखिए। नंबर एक, बाह्य दल पुंज, मैं इनके बारे में आपसे बात करूँगा। दूसरा जो भाग है इसका, दल पुंज। तीसरा जो इसका भाग है, इसका थर्ड भाग है इसका, पुमंग। और इसका जो फोर्थ नंबर का भाग है इसका, वो है आपका जायांग। एक एक की बात करते हैं। बाह्य दलपुंज, देखिए बाह्य दलपुंज क्या होता है। पुष्प का सबसे बाहरी हरे रंग का भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। आपने पुष्प के अंदर देखा होगा सबसे बाहर की तरफ उसमें हरे रंग का एक बाह्य भाग पाया जाता है। इस तरह से मैं आपको उसकी कुछ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर किसी पुष्प को देखना, उसके ऊपर हल्का सा हरे रंग का एक बाहरी भाग पाया जाता है। ब्रंथ के जस्ट ऊपर जो जितनी भी लीफ नुमा स्ट्रक्चर्स बनी होती है हल्की हल्की सी, वो बाह्य दलपुंज कहलाते हैं, हरे रंग की बाह्य दलपुंज। दूसरा देखिए, कार्य क्या है इसका, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, जितने भी इसके आंतरिक भाग होते हैं उनकी सुरक्षा करना होता है। दूसरा है इसमें दलपुंज, उसे कोरोला का नाम से जानते हैं। बाह्य दलपुंज के नीचे पुष्प का रंगीन भाग पाया जाता है, उसे हम दलपुंज कहते हैं। पंखुड़ियाँ जिसको बोलते हैं, आपने सभी पुष्पों के अंदर कलरफुल पंखुड़ियाँ देखी होगी, रंगीन रंग, कोई वाइट, कोई लाल, कोई ब्लू, तो वो क्या है आपके पुष्प के अंदर की दलपुंज है। क्या बोलेंगे उसको, हम दलपुंज कहेंगे उसको, जो कलरफुल होते हैं। ये कीट पतंगों को आकर्षित करने का कार्य करती है। बाह्य दलपुंज व दलपुंज पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं। अगर हम दोनों की बात करें, रंगीन पंखुड़ियों की और इसके हर रंग के जो बाह्य दलपुंज, ये दोनों ही इसके मिलकर सहायक अंगों का निर्माण करते हैं, सहायक अंगों का निर्माण करते हैं। आगे आजी, पुमंग एंथर बोलते हैं इसको। यह नर जननांग होता है तथा पुंकेसर से मिलकर बना होता है, नर जननांग। आपने इसके अंडा भाग से इसमें एक वर्तिका निकलती है, वर्तिका के चारों तरफ इसमें नर जननांग पाए जाते हैं। किसी पुष्प को देख लीजिए आप, यहाँ से उदाहरण के लिए सबसे अच्छा देखना है तो वो गुडेल के अंदर देखिए आप, आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी गुडेल के प्लांट के अंदर। जायांग, यह है मादा जननांग होता है, इसे स्त्री केसर, इससे स्त्री केसर मिलकर बना होता है। पुमंग और जायांग आवश्यक अंग होते हैं, इसके निश्चित अंग होते हैं। पुष्प के प्रकार, दो प्रकार का पुष्प होता है, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। पुष्प कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, यहाँ पे पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें चारों प्रमुख भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख भाग हो गए आपके, बाह्य दलपुंज, दलपुंज,
उमंग और जांग इस अरब पाए जाते हैं, उसको हम पूर्ण पुष्प कहते हैं, इसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, जैसे कि मटर, गुड़हल, गुलाब, धतूरा, ये सभी द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी क्यों बोला गया, क्योंकि नर भाग और स्त्री के साथ दोनों एक साथ पाए जाते हैं। सॉरी, अपूर्ण पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें चार प्रमुख भाग में से कोई एक नहीं पाया जाता है, इनसे कोई भी इन चारों में से कोई एक अनुपस्थित हो, पायदल पुंज, दल पुंज, पुमंग या जायंग में से कोई एक नहीं पाया जाता हो, कोई भी एक एबसेंट हो, तो उसे हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। इसी प्रकार इसका उदाहरण है, सबसे पहले एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं ये, जो खीरा, पपीता, तरबूज, खरबूजा, कुकुरबिटेसी कुल के जो प्लांट हैं वो सभी आपके अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। आज का मेरा टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, थैंक यू।